हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं अबाउट ईथरनेट। ईथरनेट के बारे में कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, काफ़ी आसान भाषा का प्रयोग करते हुए, आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश जो है वो मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो सबसे पहले तो भैया ईथरनेट, इसका बड़ा बोलबाला था दोस्तों जब 1990s का जो जमाना था तब ईथरनेट ही ईथरनेट था, जहां देखो इसका बड़ा बोलबाला था। इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट पॉपुलर लैंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिसे डिफाइन किया गया अंडर IEEE 802.3। इसके बारे में और भी कई सारी जानकारियां, इसके कुछ लिमिटेशंस इसी वीडियो में हम देखने वाले समझने वाले हैं थ्रू दीज रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, और इनके बारे में जब हम थोड़ा जानेंगे तो ईथरनेट की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी। वन पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके समझते हैं और इंटरनेट को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहला पॉइंट है टोपोलॉजी। कई सारे टोपोलॉजीज है, स्टार है, मैश है, ट्री है, हाइब्रिड है, बहुत सारे टोपोलॉजीज है, बस है। तो इसमें ईथरनेट जो है वो कौन से टोपोलॉजी को फॉलो करता है? सो द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी ऑफ ईथरनेट इज द बस टोपोलॉजी। ओके, जैसे कि यार ये आपका लैन है, ओके, और यहां पे जो है एक तरीके से आपके स्टेशंस आप देख सकते हो इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, सो इट इज फॉलोइंग अ बस टोपोलॉजी। अगले इस पे आते हैं, एक्सेस कंट्रोल मेथड। व्हाट इज द एक्सेस कंट्रोल मेथड दैट इज यूज्ड इन द ईथरनेट? कौन सा एक्सेस कंट्रोल मेथड है? तो उसका नाम है भाई साहब CSMACD। ओके, दैट इज द कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अभी क्या होता है, एक बेसिक थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से CSMACD को आसान भाषा में मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की है। ज़रूर इसे अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोलिजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है जब हम ईथरनेट पे आते हैं। कैसे है ये समस्या? फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये स्टेशन्स है ABCD, ये मेरे स्टेशन्स है भाई साहब, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है बेसिकली, चलो A ट्रांसमिट करना चाहता है, ओके, तो ये ट्रांसमिट कर रहा है, एक फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है। उसके बाद यहां पे जो D है ये भी ट्रांसमिट करना चाहता है, ओके। अब होगा क्या, ये यहां से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है, अब होगा क्या? तो यहां पे इनके बीच में होता है कोलिजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, ओके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और फिर दे गेट बैक टू देयर सेंडर। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस कोलिजन का रिजल्ट क्या हो रहा है? मीनिंगलेस ट्रांसमिशन, बराबर है। ये आपका पूरा जो डेटा है, पूरा जो फ्रेम है, वो पूरा करप्ट हो रहा है, कोई मीनिंग ही नहीं बनता, टाइम वेस्ट है, ओके, रिसोर्स वेस्ट है एक तरीके से, इफ यू कैन सी दिस रिस्पेक्टिव कोलिजन, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे इस कोलिजन की जो समस्या है इससे हमें हैंडल करना है, ओके, इसे हमें डिटेक्ट करना है। तो एक तरीके से कोलिजन को हैंडल करने के लिए, कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए हमें CSMACD यानी कोलिजन डिटेक्शन, इस रिस्पेक्टिव एक्सेस कंट्रोल मेथड की जरूरत पड़ती है ईथरनेट में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, और भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए होगा तो मैंने तो आपको बता दिया है, CSMACD के ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उसे देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या मामला है भाई साहब ईथरनेट में? एक्चुअली अभी इसके आगे कुछ शब्द नहीं लिखूंगा मैं, इसके पीछे एक शब्द लिखूंगा, नो एक्नॉलेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको? नो एक्नॉलेजमेंट। ईथरनेट, अगर आप ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट भी अगर आप देखोगे, जो कि अगला वीडियो है जस्ट इसके, तो ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट देखोगे उसमें कहीं भी आपको ऐसा एक्नॉलेजमेंट करके एक्सप्लिसिटली ऐसा फील्ड मेंशन नहीं किया हुआ आपके ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट में, ओके। तो यहां पे एक्नॉलेजमेंट की ऐसी कोई पर्टिकुलरली सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई है जब हम ईथरनेट की बात करते हैं, तो ये नो एक्नॉलेजमेंट स्कीम के अंडर आ जाता है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब थोड़ा और ईथरनेट को समझने की कोशिश करते हैं। एनकोडिंग टेक्निक भाई साहब कौन सी ईथरनेट में लगाई जाती है वो भी जरा बता दो। तो बेसिकली एनकोडिंग टेक्निक का काम क्या है, एक सिंपल शब्दों में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी आपके डेटा बिट्स है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो आपका एनकोडिंग टेक्निक करती है, एनकोड दैम, बराबर। तो जो भी डेटा बिट्स है उनको आपको एक तरीके से सिग्नल्स में करना है। तो इसके लिए कौन कौन सी एनकोडिंग टेक्निक्स है? एक आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक है, मैनचेस्टर एक एनकोडिंग टेक्निक है। तो इसमें जो यूज होता है उसका नाम है मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक जो है वो हम ईथरनेट में यूज करते हैं। अभी आपको सवाल पड़ गया होगा ये मैनचेस्टर क्या होता है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक क्या होता है। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट फेयर व्हेन योर भाई इज हेयर। आपको इसके बारे में जानना है, बराबर है,
इसके बारे में पहले से मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो भाई उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज़रूर देखिएगा। एनकोडिंग टेक्निक्स, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, आखिर होता क्या, बड़े आसान शब्दों में एग्जांपल के साथ मैंने वहां पे इलस्ट्रेट करके बताया गया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एनकोडिंग टेक्निक। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, ये है डेटा रेट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आप कुछ ट्रांसमिट कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बराबर। तो यहाँ डेटा रेट्स बहुत मायने रखते हैं, तो कौन कौन से वेरिएशन है डेटा रेट में, वो भी जरा हम लोग यहाँ पे अभी समझ लेते हैं। तो भैया शुरुआत अगर करें तो आते हैं भैया 10 Mbps पे, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ओके। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो भैया 100 तक जा सकते हैं, 100 Mbps तक। यहीं थोड़ी ना थमते हैं हम लोग, यहीं थोड़ी ना रुकते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं और भैया हम लोग चले जाते हैं 1 Gbps तक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इनका नामकरण भी कर दिया गया, इनका नामकरण कुछ ऐसे किया है कि ये जो 10 Mbps है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईथरनेट। ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब इतना तो है ही भाई, इतना तो अपने पास है, ठीक है। इसे बोलते हैं फास्ट, या दिस इज फास्ट ईथरनेट। और ये जो है, जो ये बंदा अलग लेवल पे खेल रहा है, 1 Gbps, ओके। अभी 1 Gbps का जो डेटा रेट है उसे हम लोग बोलते हैं गीगा बिट्स ईथरनेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई ईथरनेट के बारे में थ्रू दिस पॉइंट जो मैंने कन्वे की। लेकिन एक और लास्ट पॉइंट बच जाता है, वो है लिमिटेशंस। हाँ भाई साहब, इस टेक्नोलॉजी की, ईथरनेट की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन एक्चुअली कुछ ऐसे है एप्लीकेशन परस्पेक्टिव से है, जैसे कि आपने इसका नाम तो भाई साहब सुना ही होगा, आजकल तो बड़ी चर्चा चल रही है इसकी, ये RTA। RTA मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन। तो आप भूल कर भी, गलती से भी इथरनेट को रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ करने की कोशिश मत करना। क्यों भाई, आप बोलोगे क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न वी कांट यूज़ इथरनेट? तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये है दोस्तों कि रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि आपको पता है यार कि यहाँ पे एक डेडलाइन दी जाती है, बराबर, डिलेज आप नहीं कर सकते, उसमें डिले इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, आपको उस पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले आपको काम को ख़त्म करना है। डेडलाइन को अगर आपने गलती से क्रॉस कर दिया, आप लेट हो गए थोड़े से भी, तो आपको क्या बोल सकते हैं उसको, डिजास्ट्रस जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम फेलियर, उसका सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही ड्रास्टिक डिजास्ट्रस इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने डेडलाइन को क्रॉस कर दिया। तो आपको भैया रियल टाइम एप्लीकेशन में डेडलाइन से पहले काम को निपटा देना है। लेकिन ईथरनेट आपको ये गारंटी नहीं देता। अगर आप इथरनेट को गलती से यूज़ कर भी लो तो ये आपको गारंटी नहीं देगा कि भैया डेडलाइन से पहले काम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज डिलेज इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। क्यों डिलेज इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन। आप कोशिश कर रहे हो सेंड करने की, लेकिन बार 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 कोलिजन हुए जा रहा है, बराबर, कोलाइड हो रहे हैं ट्रांसमिशन, और एक बार वो कोलाइड हो रहे हैं तो वापस से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो डिले इंट्रोड्यूस होगा। तो ऐसे डिले इंट्रोड्यूस करते करते कहीं भाई साहब डेडलाइन ही क्रॉस ना कर जाए, और फिर आपको डिजास्ट्रस इफेक्ट्स, उसका जो रिजल्ट है वो सामना उसका करना पड़ेगा, उसे विटनेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, बेटर ये है कि रियल टाइम एप्लीकेशन को उसमें जाओ ही मत, इथरनेट को लो ही मत, बराबर। एक और लिमिटेशन है, वो है आपके जो इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस, जहाँ पे एक तरीके से आपके जो स्मॉल डेटा भी जो होता है, स्मॉल मैसेजेस जो भी होते हैं, उसे भी आपको इफिशियंटली एंड यूजर तक डिलीवर करना पड़ता है, बराबर। तो ये हो गया आपके सिंपल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, लेकिन उसमें भी इथरनेट जो है वो इतना बढ़िया तरीके से, बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ काम नहीं करता। क्यों बताता हूँ मैं, ये जो इथरनेट है इसमें जो मिनिमम साइज ऑफ डेटा अ फ्रेम कैन कैरी इज अबाउट 46 bytes, मतलब मिनिमम इतना मस्ट है, 46 byte मिनिमम इतना मस्ट है, इससे ज़्यादा करो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं भाई साहब। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इतना मिनिमम है, इतना मस्ट है, इससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन इससे कम भाई साहब नहीं चलेगा। और अगर आप देखो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में, तो जो भी मैसेज डिलीवर होते हैं वो मैंने हाई कर दिया, बाय कर दिया, हेलो कर दिया, मॉर्निंग कर दिया, इवनिंग कर दिया, नाइट कर दिया, तो इसमें छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, 2 byte का, 3 byte का, 4 byte का, 1 byte का, ऐसे मैसेजेस को आपको डिलीवर करना होता है। और यहाँ पे तो मिनिमम मस्ट रिक्वायरमेंट साइज जो है इथरनेट फ्रेम के अंदर की डेटा की, वो है 46 byte। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ओके, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये इतना इफिशियंट तरीका नहीं है कि इथरनेट को आप यूज़ करो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया या इतना अच्छा नहीं होगा जब आप इथरनेट को इंटरेक्टिव एप्लीकेशन में यूज़ करोगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इथरनेट के बारे में कन्वे करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स ऑल दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।